जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आरआरबी टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2024 के रीअपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के बारे में। गाइस, यहाँ पर रिसेंटली आरआरबी ने आपको नोटिस दिया था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने जो आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था उसमें फोटो को गलत अपलोड किया है और उनकी संख्या हजारों या फिर लाखों में होगी। इसी वजह से उन्हें आपको ये दोबारा से एक मौका देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर छोटे या फिर थोड़ी संख्या में फॉर्म होते तो फिर वो इसकी परवाह नहीं करते और वो उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर देते हैं। पर ये वैकेंसी इतने टाइम के बाद में आई है तो ये नहीं चाहते कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अपनी ही गलती की वजह से इसका जो एग्ज़ाम है वो न दे पाए। इसलिए उन्होंने आपको यहाँ पर उन कैंडिडेट को सेकेंड मौका दिया है जिन्होंने फोटो और सिग्नेचर को गलत तरीके से अपलोड किया था, जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उन इंस्ट्रक्शंस में रह करके अपलोड नहीं किया था। अभी यहाँ पर आप जो आपने अगर फॉर्म भरा था आरआरबी टेक्नीशियन का, तो आप अपने फॉर्म को चेक करेंगे और उसमें आप अपना जो फोटो है और साइन है उसको रीअपलोड 3 जून 2024 से लेकर के 7 जून 2024 तक कर सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फ़ोटो रीअपलोड करना है या फिर नहीं करना है, या फिर क्या हमारा फ़ोटो सही है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ये बोला है कि उन कैंडिडेट को ईमेल और मैसेज के माध्यम से बताया गया है जिनके फॉर्म अधूरा है। अधूरे से मतलब है कि जिनके फॉर्म के अंदर फ़ोटो दोबारा से रीअपलोड करना है या फिर कह लीजिए कि उनका फ़ोटो गलत तरीके से अपलोड हुआ है, उन्हीं कैंडिडेट को उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर डिटेल सेंड की गई है कि आपका इस तरह से जो फोटो है या फिर जो साइन है वो गलत तरीके से अपलोड है, आप उसको दोबारा से रीअपलोड कीजिए। यानी कि सभी कैंडिडेट को ये ईमेल नहीं आएगा, या फिर अगर आप ईमेल नहीं चलाते हैं या फिर नंबर आपने क्या पता मिस कर दिया हो मैसेज, तो एक बार फिर आप आपका जो लॉगिन डिटेल है वो यूज करके अपने डैशबोर्ड में आकर के देख लीजिएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसा आपका इंटरफेस रहेगा और कैसे आपको रीअपलोड करना है और कैसे आपको पता चलेगा कि क्या मुझे भी रीअपलोड फ़ोटो करना है या फिर नहीं करना है। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है, ये लिंक ओपन करके आप इस वैकेंसी के बारे में सभी जानकारी जानेंगे। ये जानकारी जानने के बाद में आप इम्पोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और आपको यहां पर ही आरआरबी टेक्नीशियन रीअपलोड लिंक, ये लिंक ओपन करना है। आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, एक यही वेबसाइट है जिससे आपने आरआरबी टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरा था, एएलपी का भी फॉर्म भरा था और आरपीएफ एसआई का भी फॉर्म भरा था। तो यहां पर आइए और अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहां पर डालिए, आपका पासवर्ड डालिए और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लीजिए। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी थी, ये कैप्चा कोड डालिए और प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से एक न्यू पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाइएगा। अब जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में दे रहा हूँ, क्योंकि गाइज जिस कैंडिडेट की मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसको रीअपलोड के लिए नहीं बोला है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में आगे की जानकारी दिखा रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी गलती न हो। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री के बराबर में कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको आपका फोटो रीअपलोड या फिर साइन रीअपलोड नहीं करना है, आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है जो आपने पहले सबमिट किया था उसी अवस्था में, यानी कि आपको कोई फोटो रीअपलोड नहीं करना है। तो एक बार आपको यहां पर लॉगिन करके जरूर देखना है, चाहे आपको आपने जो फॉर्म है वो भरा था या फिर आपको दोबारा से फोटो अपलोड करना है या नहीं करना है, आप एक बार लॉगिन करके देख लीजिएगा। अगर आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये वाला जहां पर आएगा अपडेट फोटोग्राफ फोटो साइन सिग्नेचर एएलपी, अभी एएलपी के लिए रिसेंट शुरू हुए थे तो इस तरह से आया था, आपको यहां पर ऐसे अपडेट फोटो सिग्नेचर टेक्नीशियन इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यानी कि अगर आपके पास ये एक एक्स्ट्रा टैब आ रही है आपके डैशबोर्ड में, तो गाइज तभी आप आपका फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। अगर आपके डैशबोर्ड में इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको इसको एक बार कंप्यूटर ओपन करके देखना है, क्योंकि मोबाइल में यहां पर वैसे भी एप्लीकेशन हिस्ट्री या ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं दिखाई देती है, इसलिए आप एक बार डेस्कटॉप मोड में या फिर कंप्यूटर में ट्राई कीजिएगा इसको लॉगिन करने की, क्योंकि वहां पर बेहतर तरीके से सभी ऑप्शन शो होते हैं। तो अगर आपके सामने टैब है तभी आपको यहां पर फोटो साइन अपलोड करना है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके सामने टैब नहीं है तो जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको कोई फोटो साइन रीअपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अब गाइस यहां पर जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो सभी इंस्ट्रक्शंस दिए गए जो कि आपको
ध्यान में रखने हैं फोटो अपलोड करने से पहले। आप यहाँ पर अपडेट फोटो सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले इंस्ट्रक्शंस भी दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पर इसको इसके ऊपर जैसे क्लिक कर देंगे तो ये वो सभी फोटो है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, यानी कि सनग्लासेस नॉट अलाउड, हेयर ऑन आई नॉट अलाउड, फोटोग्राफ इज नॉट हैविंग गुड क्लैरिटी, ये भी अलाउड नहीं है, कैप भी अलाउड नहीं है, एनिमेटेड भी अलाउड नहीं है, फुल बॉडी का फोटो भी नहीं चलेगा, इस तरह का जो सेल्फी फोटो है बैकग्राउंड में कुछ तक कुछ भी आ रहा है ये नहीं चलेगा, सेल्फी नहीं आएगी चलेगी। तो ये जो सभी आपको यहाँ पर फोटो दिए वो सभी फोटो है जो कि रिजेक्टेड है। तो आपको आपका सिंपल फोटो जो कि पासपोर्ट साइज का होता है वो अपलोड करना है, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट होना चाहिए, कुछ इस तरह का फोटो जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हैं। और इसका जो फॉर्मेट है वो JPEG या फिर JPG का साइज 30-70 KB के बीच में रहना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि जब रिसेंटली अभी RPF SI के फॉर्म आए थे तो उस वक्त भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को फोटो अपलोड करने में, तब मैंने ये वीडियो बनाई थी। आप ये जो वीडियो देख पा रहे हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, वो लिंक ओपन करिएगा और ओपन करने के बाद में यहाँ पर आकर के आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। इसमें मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अगर आपने ये वीडियो वॉच करके अपने फोटो को बनाया तो आपका फोटो बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि अगर आपका फोटो का बैकग्राउंड कुछ और भी है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं, साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो एक बार वॉच करके इससे समझ लीजिएगा, पूरा अच्छे से मैंने बताया, चाहे आप मोबाइल से कर रहे हो या कंप्यूटर से, आप दोनों में इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देख करके अपना फोटो साइन बना लीजिए, अच्छे से बनाइएगा ध्यान रखते हुए सभी चीज़ों का जो मैंने इसमें बताई है। और फिर जैसे ही आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपका फोटो और साइन तैयार कर ले वो फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए वो आपको सेलेक्ट कर रीड कर लेने हैं। बेसिकली जो वीडियो मैंने अभी आपको सजेस्ट की है अगर आप उसको वॉच करके यहाँ पर फोटो साइन करेंगे अपलोड तो फिर आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप यहाँ पर आपका जो फोटो साइन है वो अपलोड कर पाएंगे। तो गाइज ये थी आपकी पूरी जानकारी जो कि मैंने आपको बतानी थी। आप जैसे ये फोटो साइन अपलोड कर देंगे तो आप यहाँ पर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट कर देंगे एंड इसमें आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी पे नहीं करनी है। सभी के लिए जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली फ्री है, तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बाद में फिर आपको एक्स्ट्रा मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने पूरी जानकारी बता दी है, अगर आपको आपके फ़ोटो के ऊपर डाउट है इसके बावजूद तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर यहाँ पर फॉलो कीजिए और DM में आपका फ़ोटो और साइन भेज दीजिए ताकि मैं उसको चेक करके बता पाऊँ कि हाँ ये आपका फोटो एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो कमेंट के मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से भेज दीजिएगा फोटो, मैं आपको बता दूंगा ताकि जो भी आपके मन में अभी भी इसके बावजूद भी डाउट चल रहा है वो डाउट आपका बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो और आप आपके एग्जाम के ऊपर फोकस कर सके। सो गाइस ये थी आपकी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।